नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में और मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में जिस प्रकार से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद एक छोटा सा देश लेबनान आज लगातार पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। तो आज के दी करंट अफेयर शो में हम एनालिसिस करेंगे लेबनान की स्थिति, इस ब्लास्ट के पीछे का कारण जानेंगे, इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि इस विस्फोट के बाद वैश्विक प्रतिक्रिया किस प्रकार से है। तो चलिए आज के दी करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इस शक्तिशाली धमाके का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसकी गूंज निकोसिया शहर तक सुनी गई है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है जो विस्फोट वाले स्थान से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा अगर भूवैज्ञानिकों का माने तो यह विस्फोट 3.3 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के बराबर था। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इस धमाके के बाद आज लेबनान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, तो यहां पर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर लेबनान की स्थिति किस प्रकार से है। तो लेबनान आपको मिल जाएगा पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर और लेबनान जो है वो मात्र 68.5 लाख है। अगर इस जनसंख्या में आप देखोगे तो 54% जो इसका जनसंख्या है वो इस्लाम धर्म को मानने वाला है और इसके अलावा 40.7% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ईसाई धर्म को मानती है। वहीं अगर हम मैप की मदद से इस लेबनान को समझने का प्रयास करें तो ये आप देखोगे यहाँ पर आपका पूरा एशिया का ये आपको मैप दिख रहा होगा। ये आपको भारत का मैप दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, यानी मेरा कहने का मतलब है ये हमारा साउथ एशिया रीजन है। और अगर इसी एशिया के हम वेस्ट साइड में चले जाएं यानी कि पश्चिमी एशिया में चले जाएं तो यहाँ हमें मिलता है लेबनान, यहीं हमें मिलेगा इसराइल और यहीं हमें मिलेगा सीरिया। तो ये रहा आपका लेबनान। लेबनान के अगर हम नॉर्थ साइड में देखें तो सीरिया मिलता है, इसके अलावा इसके ईस्ट साइड में भी सीरिया है, इसके वेस्ट साइड में पूरी तरह से मेडिटेरियन सी है और इसके साउथ साइड में हमें मिल जाता है यहाँ इसराइल। तो ये तो बात हो गई लेबनान की स्थिति की। इसके बाद हम यहाँ ये जानने का प्रयास करते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत में जिस प्रकार से ये धमाका हुआ आखिर इस धमाके के पीछे का कारण क्या था। तो इस धमाके के पीछे का कारण जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट को। इसके पीछे का भी एक स्टोरी है। 2013 में जॉर्जिया से मोजाम्बिक के बीच में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट जा रहा था, लेकिन किसी तकनीकी कारणवश से बेरूत के बंदरगाह पर उस शिप को रोक लिया जाता है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था। कब? 2013 में। और बेरूत बंदरगाह के वेयर हाउस में उसे बंद करके रख दिया जाता है कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से। वो 2013 से उसी वेयर हाउस में पड़ा हुआ था और उस वेयर हाउस में ऐसा कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट जो है वो विस्फोट हो जाता है, उसके बाद यह इतना बड़ा धमाका होता है। तो एक्सपर्ट्स की माने तो यही 2750 अमोनियम नाइट्रेट जिसमें आग लगने की वजह से धमाका हुआ और इस धमाके के बाद कई लोगों की जाने गई और हजारों लोग आज घायल हैं। अगर आप एग्जिट लोकेशन देखना चाहोगे तो ये वो वेयर हाउस है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था मेडिटेरियन सी के तट पर और ये यहां पर बेरूत का मेन बंदरगाह है। तो इस लोकेशन की मदद से भी आप यहां पर धमाके का एग्जिट लोकेशन थोड़ा बहुत देख सकते हो और समझ सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट है क्या। तो हमने बहुत बार पढ़ा है, 10वीं कक्षा तक भी पढ़ा है, उसके बाद 11th और 12th में भी पढ़ा है अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट अब जो कि चर्चा में आ चुका है तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक भी है, इसका रासायनिक सूत्र आप लोग ज़रूर याद रखिएगा NH4NO3। ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका रासायनिक सूत्र, तो इसे बहुत ध्यान से रखिएगा। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है, खेती में किया जाता है क्योंकि यह पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है और मिट्टी को जो है पोषक तत्व बहुत जल्द प्रदान करता है। एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य है, अगर संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट अग्नि या अन्य विस्फोटक पदार्थ के संपर्क में आता है तो यह एक बड़े विस्फोटक का कारण बन सकता है और यही कारण बना कहाँ, लेबनान की राजधानी बेरूत में बहुत अधिक मात्रा में 2750
टन अमोनियम नाइट्रेट एक साथ रखा हुआ था और वो किसी अग्नि के संपर्क में आया, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद ये आप देख सकते हो अमोनियम नाइट्रेट की कुछ इमेजेस इस प्रकार से होती हैं, और इसमें कुछ आपको यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा कि इसको अग्नि के संपर्क में नहीं हिलाना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और जब शुरुआती दौर में ये धमाका हुआ था तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, उसके बाद तो जो धमाका हुआ उसका इमेजेस भी नहीं है। वीडियो एक रिलीज़ हुआ था जिसमें आप देख सकते हो शुरुआत में जो मैंने वीडियो दिखाया कि वह धमाका किस प्रकार से था और कितना भयंकर वो धमाका था। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि बेरूत में हुए इस धमाके के बाद वैश्विक प्रतिक्रिया किस प्रकार से रही। तो वैश्विक प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी। सबसे पहले तो ये प्रतिक्रिया आने लगी कि इसराइल की तरफ से ये करवाया गया है धमाका। इसराइल की तरफ से क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक राजनीतिक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला, और इसराइल इसको मानता क्या है? आतंकी संगठन। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसराइल ने यह धमाका इसीलिए करवाया क्योंकि बेरूत पर दबाव बनाना चाहता था कि हिजबुल्ला को वो राजनीतिक संगठन अपने देश में ना माने। लेकिन इसके बाद ने खुद इसराइल ने इसका खंडन किया और इसराइल ने हाथ तक बढ़ाया कि इससे उबरने में इसराइल लेबनान की पूरी तरह से मदद करेगा। इसराइल की अगर हम बात करें तो इसराइल का अपने आस पड़ोस से बिल्कुल भी नहीं बनता, और आस पड़ोस की छोड़ दो खाड़ी वाले जितने भी देश हो गए उनसे भी इसराइल की बिल्कुल नहीं बनती। तो कई देश और कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि इसराइल ने विस्फोट करवाया है, लेकिन इसराइल ने इसका खंडन किया और लेबनान की तरफ हाथ भी बढ़ाया कि इस विकट परिस्थिति में वो लेबनान के साथ खड़ा है। और इसके बाद भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। भारत का भी कहना है कि इस घड़ी में भारत जो है पूरी तरह से लेबनान के साथ खड़ा है और किसी भी सहायता के लिए कभी भी तैयार है। इसके बाद फ्रांस की तरफ से भी मदद का हाथ बढ़ाया गया और पूरी वैश्विक प्रतिक्रिया जो थी वो लेबनान के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। इसके बाद अगर हम कम शब्दों में समझें कि इस विस्फोट के बाद लेबनान पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ लगभग 2.5 से 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 से 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है लेबनान को। और आपको पता है कि एक वैश्विक महामारी हमारे सामने है कोविड-19, और इस कोविड-19 के बीच में यह धमाका लेबनान के लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी कर चुका है। और लेबनान पहले से भी अपने गृह युद्ध से भी प्रभावित रहा है। लेबनान में और भी कई तरह से संकट उत्पन्न हुआ है। इसराइल के साथ में भी उसके अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो इसराइल के साथ में भी टकराव होते रहा है। तो लेबनान पहले से ही कई संकटों से ग्रसित था, उसके बाद यह विस्फोट लेबनान के लिए वाकई में ही बहुत ही भयावह थी। इसके बाद हम कुछ भारत के बारे में भी यहां पर चर्चा कर लें। आखिर अमोनियम नाइट्रेट अगर इतना विस्फोटक है और इसका उपयोग जो है नॉर्मल सा उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इस्तेमाल भारत में भी किया जाता होगा। तो भारत में इसका रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है? क्या भारत में भी इस प्रकार से रख रखाव होता है कि ये बड़ा विस्फोटक बन सके? तो बिल्कुल, भारत में भी इस तरह से इसका संग्रहण किया जाता है, लेकिन इसके लिए कई प्रकार से रूल बने हुए हैं। ये सारे रूल बने हुए हैं अमोनियम नाइट्रेट नियमावली 2012 के तहत। इस नियमावली में साफ साफ कहा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट को भारत में कहीं भी घनी आबादी वाले क्षेत्र में संग्रहित नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा इस नियम के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट को रखने के लिए, संग्रहित करने के लिए और भी कई सुरक्षात्मक जो कदम हैं वो भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है, ताकि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से किसी भी प्रकार का कोई खतरा भारत में उत्पन्न ना हो। और आगे एक दो पॉइंट अगर कंक्लूजन में मैं बताऊं, तो अगर अभी प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे तो पूरी दुनिया जो है वो कोविड-19 संक्रमण से जूझ रही है। पूरी दुनिया एक अलग ही क्राइसिस से जूझ रही है। तो यहाँ पर बेरूत में जो घटना हुआ उससे पूरी दुनिया को सीख लेना चाहिए, इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, और इस तरह के विस्फोटक सामग्री अगर किसी देश में है तो उसके प्रति पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का दी करंट अफेयर्स में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके पर। हमने जाना लेबनान की स्थिति, इसके बाद हमने इस धमाके के पीछे का कारण जाना, प्रभाव जाना, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जाना, वैश्विक प्रतिक्रिया जाना, इसके बाद हमने कंक्लूजन भी जाना। तो आज के दी करंट अफेयर्स शो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।